गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टू क्लासेस में जैसे हमने डिस्कस किया था कि पावर ट्रांसमिशंस के क्या क्या नॉमन क्लेच पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट में बेल्ट ड्राइव में क्या क्या नॉमन क्लेचर्स होते हैं और क्या उसके बेसिक फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकली और डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें डिटरमाइन करनी है लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। ये ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम है और ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, दोनों की हमें लेंथ डिटरमाइन करनी है कि ये जो बेल्ट लगा हुआ है इसके ऊपर इसकी लेंथ क्या है, मीटर में उसका क्या फार्मूला होना चाहिए। इसे क्रॉस बेल्ट में ये जो क्रॉस बेल्ट है इस क्रॉस बेल्ट की लेंथ कितनी है। ऑब्वियस बात है कि क्रॉस बेल्ट की लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी ओपन बेल्ट के कंपैरिजन में। इसको हम प्रूव करके बताएंगे कि क्यों ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नोटेशंस लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है R1 जो है वो रेडियस है ड्राइवर की, ड्राइवर पुली की। R2 जो है वो है यहाँ पे रेडियस है ड्रिवन पुली की, दोनों में हमने ये लिए। देन L जो है डिस्टेंस बिटवीन बोथ पुलीज, दोनों जो पुली है उनके बीच की डिस्टेंस, ये हमने दोनों में लिया। हम ओपन बेल्ट की ओर जाएंगे और ओपन बेल्ट में हम देखेंगे कि बेल्ट का जो मेन कांटेक्ट पॉइंट हम निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे पहला कांटेक्ट पॉइंट ए है, फिर बी है जो लिविंग पॉइंट है बेल्ट का ड्राइवर पुली से, देन पॉइंट नंबर सी है जो कि ड्रिवन पुली का कांटेक्ट पॉइंट है बेल्ट से, देन डी ये सेंटर पॉइंट है उस बेल्ट का, देन लिविंग पॉइंट है ड्रिवन पुली से ई पॉइंट जो है लिविंग पॉइंट है ड्रिवन पुली से, देन एफ अगेन कॉन्टेक्ट पॉइंट है ड्राइवन पुली से बेल्ट का। ठीक है, तो अगर हम ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये टोटल लेंथ हो गई। क्या लेंथ हो गई? ए बी सी डी ई एफ, ये टोटल लेंथ हो गई बेल्ट की। ठीक है, ये हमें निकालनी है दोनों ही केस में, ए बी सी डी ई एफ ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है कि पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये ए बी आर के, ठीक है, ए बी आर के किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पे ए एफ आर के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये ए बी यहां से यहां तक, ए एफ यहां से यहां तक, उसके बाद हम इधर ड्राइवर पुली पे देखेंगे, ड्रिवन पुली पे देखेंगे सी डी आर के यहां से यहां तक और डी ई आर के है यहां से यहां तक, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों सी डी और डी ई इक्वल है, इधर इधर ए बी और ए एफ दोनों इक्वल है। उसके बाद हम देखेंगे यहां पे कि बी से सी की लेंथ, बी से ये सी है, बी से सी की लेंथ और एफ से ई की लेंथ, ये दोनों इक्वल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। अब मैंने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ करी ओ वन से लेके एम तक, ओ वन से लेके एम तक लाइन ड्रॉ करी, तो ओ वन एम जो है वो किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया, देन ओ वन एम एफ के भी इक्वल हो गया, दोनों के इक्वल हो गया। ठीक है, ये सब आपस में इक्वल है, क्लियर है। अब यहां हम देखेंगे कि बी ओ से इस वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, सेम ये एंगल अल्फा यहां बना रहा है, यहां पे वो एंगल यहां से ये वर्टिकल एक्सिस जो है ड्रिवन पुली का, ये एंगल यहां अल्फा बना रहा है, ये एंगल यहां अल्फा बना रहा है, और जो कांटेक्ट एंगल जो हम लेंगे थीटा वो यहां पे ड्रिवन पुली से लेंगे थीटा, इसके लिए लेंगे कांटेक्ट एंगल, ये हम कांटेक्ट एंगल लेंगे थीटा ड्रिवन पुली से ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। ठीक है, अब हम लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए हम देखते हैं कि ए बी आर और ए बी आर और ए एफ आर दोनों इक्वल है, हम देखते हैं कि सी डी आर और डी आर दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को देखते हुए हम इक्वेशन लिखते हैं लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव एल ओपन इक्वल्स टू टू टाइम्स आर ए बी, ये दोनों आर्क बराबर है इसलिए टू टाइम्स आर के बी कर दिया, देन बी सी और ई एफ दोनों बराबर है, बी सी और ई एफ दोनों बराबर है इसलिए टू टाइम्स बी सी कर दिया, देन आर्क सी डी और आर्क डी दोनों बराबर इसलिए आर्क टू टाइम्स आर्क सी डी कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन सब की लेंथ निकालनी, आर्क ए बी की लेंथ निकालनी, आर्क सी डी की लेंथ निकालनी।
तो हम पहले देखेंगे आर्क एबी की लेंथ कितनी आएगी। देखो ये कितना एंगल हो रहा है, ये हो रहा है 90π/2 और ये एंगल कितना है अल्फा। तो एबी की लेंथ क्या होगी, π/2 प्लस अल्फा, क्लियर है। इनटू हमको पता है आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर्क इक्वल्स टू होता है, आर्क इक्वल्स टू होता है रेडियस इनटू एंगल, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस इनटू एंगल। तो हमने इस ड्राइवर पुल की रेडियस कितनी ली, R1, तो R1 हमने यहां लिख दिया। प्लस BC, ये देखो BC जो हो रहा है आपका जो देन BC इक्वल्स टू EF, BC हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। BC हम निकालना है तो BC को देखो इधर निकाला हुआ है। BC के लिए हमने क्या लिया, ये ट्राइंगल है OO1M, ये अलग से लिया, जहां पे M जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है और OO1 की लेंथ L दी हुई है। देखो O से O1 की लेंथ L दी हुई है, ठीक है। देन हम देखेंगे MO की लेंथ कितनी है, ये टोटल देखो, ये टोटल जो है यहां से OB जो हो रहा है वो R हो रहा है, और फिर हम यहां से देखेंगे तो MB कितना हो रहा है, MB जो हो रहा है वो हो रहा है, ये टोटल देख रहे हैं यहां से यहां तक, तो ये हो रहा है आपका R1, ठीक है, यहां से यहां तक देख रहे हैं टोटल, तो R1 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, R2 हो रहा है। तो सिर्फ हमें ये लेंथ चाहिए, तो ये हो जाएगी R1-R2, ठीक है। तो ये MO की लेंथ हो गई हमारे पास R1-R2, ये लेंथ, सिर्फ ये लेंथ ली हमने, ध्यान से देखना, MO की लेंथ ली है, OB की लेंथ है R, ठीक है। देन हमें MO1 निकालना है, MO1 निकालना, उसके लिए हम पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इसमें अगर हम साइन अल्फा लगाए तो साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है इसमें R1-R2, हाइपोटेनस है L। देन अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा जो है बहुत बहुत छोटा एंगल, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू लिख देंगे R1-R2 डिवाइड बाय L। देन हमने ऊपर लिखा कि O1M निकालना, तो BC के इक्वल है, तो BC इक्वल्स टू हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी √L²-R1-R2 का होल स्क्वायर। देन थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसकी पावर लगा देंगे 1/2 और L को कॉमन ले देंगे। देन ये जो इक्वेशन बनेगी इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दो टर्म तक ही अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास BC की फाइनल वैल्यू आएगी, और जो BC की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रख देंगे। क्या ये यहाँ पे L-R1-R2 का होल स्क्वायर बाय 2L, L का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी L-R1+R2 का होल स्क्वायर बाय 2L प्लस arc CD। arc CD के लिए देखेंगे तो ये तो अल्फा एंगल है और ये टोटल एंगल कितना हो रहा है, 90 मीन्स π/2 हो रहा है, तो π/2-α, और इस ड्रिवन पुली के लिए लेंथ क्या लिए, रेडियस क्या लिए, R2, तो ये हो गया π/2-α × R2। देन हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो R1+R2 आएगा, देन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2L आएगा, देन 2 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा R1+R2 का होल स्क्वायर बाय डिवाइड बाय L। प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अल्फा कॉमन ले लेंगे, 2α कॉमन ले लेंगे, तो R1+R2 × α, ये कॉमन आ गया। देन अल्फा की वैल्यू जो है हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो अल्फा की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन तो सेम चलेगी, तो नेक्स्ट इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो R1-R2 का होल स्क्वायर × 2 डिवाइड बाय L ये आ जाएगी। ये सिंगल टाइम है, ये 2 टाइम्स है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू आएगी π R1+R2 प्लस R1-R2 का होल स्क्वायर प्लस 2L, ये हमारा फाइनल लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट आएगा। देन लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट फाइनल इस तरह से भी लिख सकते हैं, π R1+R2 प्लस R1-R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय L प्लस 2L। तो ये तो हो गई हमारी लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। इसी तरह से हम लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव को कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हमने क्या किया कि इसको क्रॉसली कनेक्ट किया, ठीक है,
डायग्राम से दिख रहा है कि इसकी लेंथ ज्यादा आएगी, ठीक है, इसमें भी आर वन आर टू वही एज इट इज हमने एज्यूम किया, आर वन की वैल्यू वही, आर टू की वैल्यू वही है, एल की वैल्यू वही है, वही सेम एज्यूम किया। अब हमको यहाँ पे भी वही लेंथ ऑफ बेड निकालने में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी ई एफ, ये लेंथ हम निकाल लेंगे तो हमारी टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट आ जाएगी क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। अब लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए हम देखेंगे कि आर्क ए बी वो सेम इक्वल है आर्क ए एफ के, तो टू टाइम्स हो जाएगा, देन यहां देखेंगे आर्क सी डी वो सेम इक्वल है आर्क डी के, तो टू टाइम्स आर्क सी डी हो जाएगा, देन हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी एल है, देन अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ट्राइंगल बनाएंगे ओ को एक्सटेंड करेंगे एम तक, एम एक लाइन की जो एंगल बना रहा है ना अल्फा, इसको हम अल्फा वाली एंगल को हम एक्सटेंड करेंगे, देन हम इसको ओ वन से ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा जो कि बी और इस वर्टिकल एक्सिस के साथ बन रहा है, ये एंगल भी अल्फा होगा जो इस वर्टिकल एक्सिस और इस सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बन रहा है, एफ पॉइंट के रेस्पेक्ट में बन रहा है, यहाँ पे इस वर्टिकल एक्सिस और यहाँ पे बन रहा है ई पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अल्फा एंगल उतना ही अल्फा एंगल होगा। अब इस अल्फा एंगल को हम क्या कर लेंगे सेपरेट ले लेंगे, उस पूरे ट्राइंगल को सेपरेट ले लेंगे, तो यहाँ पे जैसे ओ वन एम की वैल्यू होगी वो आर वन प्लस आर टू होगी, क्यों, क्योंकि ये तो हो गया आर वन, ओ बी तो आर वन हो गया, देन बी एम कितना होगा, बी एम देखो ध्यान से बी एम यहाँ पे होगा आर टू के इक्वल, ये कितना है आपका आर टू, ये कितना है आपका आर वन, तो ओ एम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, ये ओ एम हो जाएगा, देन हम इसको साइन अल्फा के रेस्पेक्ट में आर वन प्लस आर टू बाई एल, और अल्फा बहुत छोटा एंगल है इसलिए आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाय एल इसकी वैल्यू आ जाएगी, देन सेम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हमने पहले ही यहाँ पे लिख चुका है कि बी सी इक्वल टू ई एफ है, इसमें भी सेम केस है जैसे उसमें था बी सी इक्वल टू ई एफ है, ओ वन एम इक्वल टू बी सी और ओ वन एम इक्वल टू ई एफ है, तो सेम हमने सेम कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया और बी सी की वैल्यू निकाली, तो पाइथागोरस थ्योरम लगे एल स्क्वायर माइनस चेंज क्या है यहाँ पे, यह वहां पे आर वन माइनस आर टू था, यहाँ आर वन प्लस आर टू है, क्यों, ओ वन एम की लेंथ यहाँ पे डायग्राम में जो हमें दिख रही है आर वन प्लस आर टू वहां दिख रही थी आर वन माइनस आर टू, ठीक है, फिर हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर आया, उसको सिंप्लीफाई किया, फिर इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगे, तो ये हमारी बी सी की फाइनल वैल्यू आई, ठीक है, इस बी सी एल का मल्टीप्लाई करते, इस बी सी की फाइनल वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, उससे पहले देखेंगे हम आर ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारा कितना हो रहा है पाई बाई टू 90 एंगल हो रहा है, ये हो रहा है अल्फा, तो पाई बाई टू इंटू अल्फा, आर्क हम मैंने बताया आर्क इक्वल टू क्या होता है, आर्क इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल, तो आर वन रेडियस है, देन हमने बी सी की लेंथ रख दी है ये वाली एल माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई टू एल प्लस आर्क सी डी, आर्क सी डी ये यहाँ पे अलग हो रहा है, ये हो रहा है पाई बाई टू है ना, और ये अल्फा, तो यहाँ पे भी पाई बाई टू प्लस अल्फा आ रहा है, जैसे वहां माइनस आया था यहाँ अल्फा रहा, क्योंकि ये यहाँ जॉइन, यहाँ इसका लास्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट है और यहाँ यहीं पे यहाँ लास्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो पाई बाई टू प्लस अल्फा इंटू आर टू इस ड्रिवन पुली की लेंथ है, सॉरी रेडियस है, देन हमने इसका वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, तो फाइनल पाए आर वन प्लस आर टू प्लस टू एल, हमने इस टू का आंसर मल्टीप्लाई किया, ये टू एल हो गया, देन टू से टू यहाँ कैंसिल हो गया, देन यहाँ टू का मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे और देन अल्फा का भी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया टू टाइम्स आ गया, देन अल्फा की वैल्यू यहाँ रखी, कौन सी रखी की ये आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई एल, तो ये वाले अल्फा की वैल्यू रखी, तो टू टाइम्स आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई एल, तो फाइनल जो वैल्यू है ये लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए वही है पाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल प्लस टू एल, हम इस लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट के को इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई आर वन प्लस आर टू प्लस टू एल प्लस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल, ठीक है, तो इसमें क्या चेंज है, यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, इट मीन्स ज्यादा लेंथ किसकी होगी क्रॉस बेल्ट की होगी, क्योंकि फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ प्लस है वहां माइनस है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।